मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को देखो और वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। ये को जो क्वेश्चन है बेसिकली सुपर इम्पोजिशन, दो या दो से अधिक ऐसे सम को कंबाइंड करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। वो आपकी कोचिंग में पढ़ाया गया होगा, जनरली स्कूल में तो पढ़ाया नहीं जाएगा। सुपर पोजिशन ऑफ टू एस एस एम, दो एस एस एम को मिलाएंगे। हम सबको पता है कि अगर एक एस एस एम है तो हमेशा स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, पार्टिकल हमेशा स्ट्रेट लाइन पे दौड़ेगा। बट अगर दो एस एस एम है तो पार्टिकल का पाथ सर्कल भी हो सकता है, इलिप्स भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है फेज डिफरेंस दोनों में कितना है। तो अब सुपर इम्पोजिशन हुआ तो एक एस एस एम परपेंडिकुलर एक्सिस में हुआ है, एक एस एस एम एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, दूसरा वाई एक्सिस के लॉन्ग है। तो जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है उसका इक्वेशन लिख दूं मैं, तो एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब ये दूसरे के साथ सुपर इम्पोज किया, जो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है, वाई एक्सिस के लॉन्ग है, विथ अ फेज डिफरेंस पाई। तो जो वाई एक्सिस का उसका एस एस एम का इक्वेशन लिखूं तो उसका एम्पलीट्यूड को मैं बी से डिनोट कर देता हूं और साइन ओमेगा टी और प्लस मैं फेज डिफरेंस फाई ले लेता हूं। दिस आर द टू एस एस एम, इन दोनों को सुपर इम्पोज किया जाता है। सुपर इम्पोज करने के बाद पार्टिकल किस टाइप के पाथ पे चलेगा वो हमें इक्वेशन निकालना है बेसिकली। तो एक बात, जब कोऑर्डिनेट्स को रिलेट, जब पाथ निकालते हैं फिजिक्स में तो कोऑर्डिनेट्स को रिलेट करते हैं, मतलब एक्स एंड वाई को रिलेट करेंगे। तो एक्स एंड वाई को अगर मैं रिलेट करूं तो चलो बेसिकली एक्स और वाई को स्क्वायर करो, इनको अब ऐसे तो रिलेट कर ही नहीं सकते, इसको थोड़ा ढंग से लिख दें, माइनस बी साइन ओमेगा टी, ये सबको पता होगा भाई, ठीक है। थर्ड कोऑर्डिनेट में चले जाओगे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, इसमें पाई में कुछ जोड़ोगे, इसमें साइन निगेटिव होता है और पाई रहता है तो चेंज नहीं होता है, तो यह आ जाएगा वाई। अब इस वाले इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो एक्स एंड वाई रिलेट हो जाएंगे। तो डिवाइड कर दो तो एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू ए बाई बी माइनस दिस। इसका मतलब ये हुआ कि वाई इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एक्स। अब ये x एंड y रिलेट हो गए, यही इक्वेशन है। हम सबको पता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ये वाला, जिसका स्लोप m है और इंटरसेप्ट c है। अभी देखो इंटरसेप्ट 0 है, c की वैल्यू इस इक्वेशन में 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल है उसका अगर मैं ग्राफ ड्राऊं x एंड y, उसका पाथ ड्रा करूं तो उसका पाथ ओरिजिन से पास होगा, क्योंकि इस इक्वेशन के लिए इंटरसेप्ट सी जीरो है और स्लोप निगेटिव है। सी जीरो स्लोप निगेटिव लेके जो स्ट्रेट लाइन आएगी अच्छी वाली, वो ये इस टाइप की स्ट्रेट लाइन आएगी। देखो स्लोप निगेटिव है, थीटा इज ग्रेटर देन 90, स्लोप जो है थीटा ग्रेटर देन 90 है, और टेन थीटा की यहाँ पर जो वैल्यू है इसको मैं स्लोप बोलता हूँ, वो माइनस बी बाई ए है। क्लियर है? इस टाइप के पाथ पे पार्टिकल एस एस एम करेगा, जाएगा आएगा इस टाइप के, बराबर है। तो स्ट्रेट लाइन द फाइनल सोल्यूशन हमारे पास आया सी। चलो कहता है एक एम मास